सोनीपत के बहालगढ़ में स्थित सब डिवीजन में नियुक्त बिजली निगम के सहायक लाइनमैन को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को गांव पलड़ी के पास से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी झुंडपुर स्थित औद्योगिक क्षेत्र के प्लॉट में अस्थाई मीटर लगाने के एवज में रिश्वत की मांग कर रहा था। डीएसपी एंटी करप्शन ब्यूरो जयपाल सिंह ने बताया है कि पपसरा निवासी नीरज कुमार ने शिकायत दी थी। उनका गांव झुंडपुर औद्योगिक क्षेत्र में उनका प्लॉट है फिलहाल, जिसमें वे अस्थाई मीटर लगवाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने बिजली निगम में आवेदन किया था। उनके प्लॉट में बिजली मीटर लगाने के लिए बहालगढ़ सब डिवीजन में नियुक्त उत्तर प्रदेश के जिला बागपत के गांव जागोस निवासी लवकुश ने 25,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। देखिए, नीरज कुमार वासी पपसरा ने हमें कार्यालय में आकर शिकायत दी थी कि उसने अपने प्लाट पर एक मकान बनाना है जिसमें अस्थाई मीटर की ज़रूरत है, और उसने जब अस्थाई मीटर बिजली विभाग अपना बालगढ़ के अंदर जब अप्लाई किया, और अप्लाई करने के पश्चात तो लाइनमैन जो यहाँ लव कुश नाम का लाइनमैन है जिसने 25,000 रुपये की डिमांड करी, जो उसकी शिकायत मिलने पर हमने तुरंत रेडिंग पार्टी तैयार की। रेडिंग पार्टी तैयार करने के बाद 25,000 रुपए में हमने लवकुश को रंगे हाथों गिरफ्तार किया, जिसका अभी पूछताछ जारी है। जो भी इसके अंदर अगर किसी अन्य की संलिप्तता पाई जाती है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।